Write the heading in your copy, Sildon. Application of transactions related with casting. I repeat, application of transactions related with the casting. Two columns we'll draw, children. Left column mein hum likhenge case first, receipt side of cash book overcast. Sunai pada bacho. Second is receipt side of cash book undercast. Third is payment side of cash book overcast. And fourth is payment side of cash book undercast. Everybody written four compositions. और राइट साइड में मैं आपको पासबुक बता दूंगा, बट आपने जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में किए किसी में भी पासबुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट नजर आई? प्रैक्टिकली वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक वाले बेवकूफ थोड़ा हैं। बच्चे कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन टू से, हम बेवकूफ हैं? अरे हम नहीं, हमारा वो अकाउंटेंट जिसको हम सैलरी ठीक से नहीं देते हैं। सैलरी क्यों ठीक से नहीं देते? क्योंकि रेवेन्यू टाइम पे नहीं आ रहा। रेवेन्यू मतलब फी डिपॉजिट नहीं हो रही टाइम पे, तो सैलरी कहाँ से ठीक दी जाएगी? चलिए चले आगे, तो ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों चार फॉर्मेट्स अपनी कैशबुक के। टी बनाऊं तो चलेगा? अरे टी मतलब चाय नहीं पिला रहा आपको मैं। टी शेप बनाऊं तो चलेगा? टी शेप बनाऊं तो चलेगा? बच्चे कहेंगे सर हम भी टी शेप बनाएंगे, हाँ बना लीजिए कोई बात नहीं। और जब भी आप अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, आपको ऐसा टी शेप बनाना जरूरी है। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी? चलन चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आपकी कैशबुक में ब्रॉड डाउन है रुपीज 10,000। कितना ब्रॉड डाउन है चलन? 10,000। विजिबल टू ऑल? विजिबल टू ऑल। आपको ट्रांजैक्शन लिखना था जिसमें वैल्यू जानी चाहिए थी 3,000, बट गलती से आपने ट्रांजैक्शन में वैल्यू लिख ली 3,500। माहौल बन गया ओवरकास्टिंग का बच्चों, माहौल बन गया ओवरकास्टिंग का, समझ में आ गया? झटपट इसको अपडेट करें, झटपट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। बन गया ओवरकास्टिंग का माहौल। अगर बच्चों आपने लिखा होता 10,000 के साथ 3,000, व्हाट वुड हैव बीन योर बैलेंस हेयर? 13,000। बट क्योंकि आप गलती से ज्यादा लिख गए तो आपका बैलेंस क्या आएगा? 13,500। तो योर बैलेंस करेक्टली शुड हैव बीन हाउ मच चिल्ड्रन? 13,000। बट आ कितना रहा है आपकी इस हरकत की वजह से? 13,500। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर डेबिट साइड रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट होती है बच्चों, तो कैशबुक का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। कैशबुक ऊपर चली गई, पासबुक नीचे है, कैशबुक से पासबुक तक लाना है तो माइनस, और पासबुक से कैशबुक तक जाना है तो प्लस। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? तो यहां पे लिख भी लीजिए, कैशबुक प्राइसेस। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई बच्चों, समझ में आ गया? कैशबुक राइजेस का मतलब क्या होता है? कैशबुक राइजेस का मतलब समझ में आ गया भाई? पक्का? शैल आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन? अब हमारा रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट की बजाय क्या हो रहा है बच्चों? अंडरकास्ट। 3,000 लिखना था, आपने 2,000
800 ही लिखा है। अगर बच्चों 10,000 के साथ यू वुड हैव रिटन 3,000, योर बैलेंस वुड हैव कम टू हाउ मच 13, बट आपने 10,000 के साथ 2,800 लिख दिया तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? 12,800। प्रॉब्लम बात गई, तो ट्रू बैलेंस शुड बी 13,000, बट आपका आंसर आएगा व्हाट चिल्ड्रन? 12,800। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर आपका रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट होता है तो आपका कैशबुक का बैलेंस भी क्या होगा? अंडरकास्ट हो जाएगा, कैशबुक गिर जाएगी नीचे, पासबुक ऊपर है, पासबुक को कैशबुक तक आना है तो माइनस, कैशबुक को पासबुक तक जाना है तो प्लस। वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन, वेरी डिफिकल्ट। चलिए तो यहां पे लिख देंगे आप कैश बुक फॉल्स। आर पीपल गेटिंग दिस? कोई क्वेरी तो नहीं है भाई? नो सर। झटपट फास्ट आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। अब क्या हुआ, पेमेंट साइड ओवरकास्ट कर गई, पहला और दूसरा सबको क्लियर हो गया था। चलिए पेमेंट साइड की बात सुनते हैं। सो आपने डेबिट साइड में बैलेंस देखा 10,000, करेक्ट चलन? करेक्ट चलन। क्रेडिट साइड में यू वर सपोज टू रिकॉर्ड अ पेमेंट ऑफ 3,000, बट गलती से आप कितना रिकॉर्ड कर बैठे? 3,500। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर और जवाब दीजिए। 10 माइनस 3 इज हाउ मच? 7,000। बट सेवन आपने क्योंकि 3,500 लिख दिया तो आपका 10,000 माइनस 3,500 क्या आंसर आएगा? 6,500। मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज दिस, आप जितनी ज्यादा बदमाशी करेंगे आपके छोटे भाई को उतना ज्यादा मजा आएगा, आप जितनी ज्यादा बदमाशी करेंगे मम्मी को उतना कम मजा आएगा। सर समझ गए, ये छोटे भाई वाला कॉन्सेप्ट है, ये मम्मी वाला कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है और ये इनवर्स रिलेटेड है। समझ में आ गया? हायर द लेवल ऑफ दलिद्रापा यू शो एट होम, लोअर वुड बी द डिमांड्स दैट दे वुड बी फुलफिलिंग फॉर यू। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो जब बच्चों आपका पेमेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, गिरेगा कि बढ़ेगा? गिरेगा। तो इट इज कैश बुक फॉल्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, कैश बुक फॉल्स। डिफिकल्ट है कोई? समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए एक बार। 10,000 में से जब आप माइनस करेंगे 3,000 तो व्हाट विल बी योर बैलेंस चिल्ड्रन? 7। बट अगर आपने 3,000 की बजाय 3,500 लिखा और 10,000 में 3,500 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6,500 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपका पेमेंट बढ़ गया तो आपका बैलेंस घट जाएगा। तो रिसिप्ट साइड में कुछ भी हो, ओवरकास्टिंग हो या अंडरकास्टिंग हो, बैलेंस पे इफेक्ट सेम आएगा। तो रिसिप्ट साइड बढ़ी तो बैलेंस बढ़ा, रिसिप्ट साइड घटी तो बैलेंस घटा। बट पेमेंट साइड पे अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इफेक्ट ऑपोजिट आएगा, इफेक्ट ऑपोजिट। अगर आपने पेमेंट साइड पे ज्यादा लिख दिया बैलेंस गिर जाएगा, और अगर पेमेंट साइड पे कम लिखा तो बैलेंस बढ़ना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। तो आप लिख लेंगे, मान लीजिए बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी वैल्यू थी हमारी? 10,000, और आपने पेमेंट दिखाया मान लीजिए ₹3,000 का और गलती से 2,500 का, तो ये अंडरकास्ट हो गया। चलन मैथमेटिकली व्हाट इज 10,000 माइनस 3,000? 7। बट क्योंकि आप 2,500 लिख चुके हैं तो 10,000 माइनस 2,500 इज व्हाट चिल्ड्रन? 7,500। तो ज्ञान की बात यह है कि अगर आप पेमेंट कम लिखते हैं तो आपका बैलेंस कैशबुक का क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इट इज कैशबुक राइजेस। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। कोई क्वेरी किसी की? चलन पक्का? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा
कभी भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट के क्वेश्चंस आए, खबरदार किसी ने इन तुक्कों को लेकर सॉल्व किया। नेवर डू इट लाइक दिस चिल्ड्रन, नेवर डू इट लाइक दिस। कुछ बच्चे मैं पढ़ा देता हूं, वो रट लेते हैं कि जब भी रिसिप्ट साइड में ओवरकास्टिंग होगी बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक ऊपर चली गई। रिसिप्ट साइड पे अंडरकास्टिंग होगी बैलेंस गिर जाएगा, कैश बुक नीचे चली गई। रटिएगा मत, हमेशा ऐसा टी बना के सॉल्व करिएगा। इसके बाद जब पता लग गया कैश बुक बढ़ी या घटी, अकॉर्डिंगली पासबुक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी सोर्स बुक क्या है। सोर्स बुक क्या है, यहाँ पे कैश बुक बढ़ी हुई है, अगर सोर्स बुक कैश बुक है तो माइनस करेंगे, और अगर पासबुक है तो प्लस कर देंगे। ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, तो ये सिर्फ आपका हैंड मूवमेंट जो होता है चिल्ड्रेन उसको कंफर्म कर देगा। दैट्स इट। डिफिकल्ट था, पासबुक वाला भी लिखवा दूं यहाँ पे, वो कभी मिलेगा ही नहीं आपको, और अगर मिल भी जाता तो आप ऐसे कर भी लेंगे। आप मेरा लास्ट ईयर का अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पासबुक ही पढ़ाया था, फिर बच्चे बोले सर एक भी सवाल नहीं मिला, पागल बना दिया हमको। मैंने कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला है, सीए फाइनल में मिलेगा, परेशान ना हो। ठीक, फिर यहीं पे कैश बुक की जगह यही क्या बन जाएगी, पासबुक, ये डेबिट वाला डेटा क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेटा डेबिट में, इसी की मिरर इमेज बन जाएगी पूरी की पूरी। समझ गए सब लोग? समझ गए भाई। चलिए इसी के साथ हमारा बीआरएस जितना सिलेबस में सीबीएसई 11th में है होता है समाप्त, बट मैं आगे के आपको दो टॉपिक्स अभी और पढ़ाऊंगा।